जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सरसमिकाओं का उपयोग करके क्या करना है कि निम्नलिखित का क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रसार करना है सरसमिका के जरिए। तो मैं सरसमिका को यहाँ पर लिख लेता हूँ, x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है रोमन में, है ना। तो इक्वल क्या होगा, होगा यहाँ पर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि x और y और z के जगह पर क्या क्या है। तो x के जगह पर यहाँ पर है 3a और y के जगह पर क्या है -7b और z के जगह पर क्या है -c। ठीक हो, अब इस क्वेश्चन को जो है इस सरसमिका के रूप में लिखना है, है ना। तो x के जगह पर क्या है, तो 3a लिखेंगे और y के जगह पर क्या है -7b। तो फॉर्मूला में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, तो 7 के जगह पर क्या होगा -7b रहेगा और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और z के जगह पर क्या है -c, तो ये फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, z के जगह पर क्या होगा -c, ब्रैकेट में होगा क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x के लिए था, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर क्या है 3 है, तो क्या होगा 3a का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस होगा, y के जगह पर क्या दिया है -7b का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, फिर क्या है प्लस, और z के जगह पर क्या है c, तो c - c का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है 2xy है, तो क्या होगा 2 × x के जगह पर क्या है 3a, y के जगह पर इंटू क्या होगा -7b होगा, क्या होगा -7b। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा 2 × y के जगह पर क्या है -7b है, इंटू क्या होगा c के जगह पर क्या होगा z के जगह पर -c होगा, प्लस 2 होगा z के जगह पर क्या है -c है इंटू और x के जगह पर 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, 3a का होल स्क्वायर तो क्या होगा 9a स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 49b स्क्वायर होगा, ये होगा प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे प्लस और माइनस को, और यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2, 3 जा क्या होगा 6 होगा, 6, 7 जा क्या होगा 42। ठीक है, कितना होगा 72 होगा, और क्या है यहाँ पर ab, तो क्या होगा ab होगा, है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर 50 प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस है तो क्या होगा, देखिए अब इसको इंटू करेंगे प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा और माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, और 2, 7 जा क्या होगा 14 होगा, और क्या है यहाँ पर bc, तो क्या होगा bc। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, और क्या होगा 2 और 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 6, और क्या है ca, तो लिखेंगे ac, ये है प्रसार रूप। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले सरसमिका को लिखेंगे तो क्या होगा x + y + z का होल स्क्वायर, तो इक्वल क्या होगा x² + y² + z² प्लस क्या होता है 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि x, y और z के जगह पर क्या क्या है। तो x के जगह पर यहाँ पर है -2x है, y के जगह पर क्या है 5y है, और z के जगह पर क्या है -3z है, है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है इस सरसमिका के रूप में लिखना है, तो x के जगह पर क्या है -2x है,
फिर प्लस y के जगह पर क्या है 5y है ना, प्लस है यहाँ पर प्लस देंगे, z के जगह पर क्या है माइनस 3z है ना, और क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है x का स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या है माइनस 2x है, तो क्या होगा माइनस 2x का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है y स्क्वायर, तो y के जगह पर क्या दिया है यहाँ पर, तो प्लस होगा फॉर्मूला में, और क्या होगा 5y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है z का स्क्वायर, तो z के जगह पर क्या है माइनस 3z, तो क्या होगा माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर प्लस 2xy है ना, तो 2 के जगह पर 2 होगा, x के जगह पर क्या होगा माइनस 2x होगा। ठीक है, और y के जगह पर इंटू 5y होगा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है 2yz, तो 2 होगा और y के जगह पर 5y होगा, और z के जगह पर माइनस 3z होगा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर 2 है इंटू z के जगह पर क्या है माइनस 3z है, और x के जगह पर क्या है इंटू हमें होगा माइनस 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या है माइनस 2x है, तो क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या है 5y स्क्वायर, तो क्या होगा 25y स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्लस 9z स्क्वायर होगा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, 2 जा 4, 4, 5 जा 12, और क्या होगा एक्स वाई होगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, नहीं यहाँ माइनस होगा, क्या होगा 30 होगा, और क्या होगा वाई जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो प्लस है तो चिन्ह बदलेगा, और प्लस रहता है यहाँ पर एक माइनस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस, तो क्या होगा प्लस होगा, और क्या होगा 2 जा 2, 3 जा 6, 6 2 जा 12, और क्या है यहाँ पर जेड एक्स, तो क्या होगा जेड एक्स, ये हुआ इसका प्रसार रूप। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, a बाय 4 माइनस b बाय 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको प्रसार करना है, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सरसमीका को यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या है सरसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, तो इक्वल क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि x, y और z के जगह पर क्या क्या है, तो x के जगह पर यहाँ पर है a by 4 है, y के जगह पर क्या है माइनस b by 2 है, और z के जगह पर है 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है इस सरसमीका के फॉर्म रूप में लिखना है, तो है ना, तो x के जगह पर यहाँ क्या है a by 4 है, तो x के जगह पर क्या होगा a by 4 होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, तो y के जगह पर क्या है माइनस b by 2 है, तो इसको रखेंगे माइनस b बाई 2, उसको ब्रैकेट में रखेंगे, और क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा, और z के जगह पर क्या है 1, तो क्या 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ x का स्क्वायर है, तो x के जगह पर क्या दिया है a बाई 4, तो क्या रखेंगे a बाई 4 रखेंगे, इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है प्लस देंगे, y क्या है यहाँ पर माइनस b बाई 2, तो यहाँ स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर में रखेंगे, माइनस b बाई 2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। z का स्क्वायर, तो z क्या है मेरा z, तो 1 का, z के जगह पर क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2xy है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 होगा, और x के जगह पर क्या है a बाई 4 है, इंटू y के जगह पर क्या है माइनस b बाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या है यहाँ पर है 2 इंटू y क्या है यहाँ पर y है माइनस b बाई 2 है, इंटू z के जगह पर क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस होगा, 2 होगा यहाँ पर, z के जगह पर 1 है, और x के जगह पर क्या है a बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a बाई 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ ए स्क्वायर बाई क्या हुआ 16 होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या हुआ बी स्क्वायर बाई 4 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 को तो 1 होगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कटा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस होगा, और क्या है ए बी, तो क्या हुआ ए बी होगा, और नीचे में क्या हुआ 4 होगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2 कटा, और क्या हुआ यहाँ पर माइनस बी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी
टू टू कटा, यहाँ पर क्या होगा a बाई टू, यहाँ पर टू बचा। कभी याद रखना कि कभी भी गुना में अगर 50 प्लस है या 30 प्लस या 20 प्लस है और वहाँ पर एक माइनस है तो हमेशा क्या होगा माइनस में होता है गुना में, ठीक है। और यदि वहाँ पर दो तीन माइनस होगा तो शायद प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखें। और मैंने इस क्वेश्चन का प्रसार कर दिया, ठीक है। और हम उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे मैंने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।